हमारा चैनल ट्रेडिशनल काव्या। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड हुई है, क्योंकि ना एक्चुअली घर में शादी थी, सिस्टर की मेरी शादी थी, तो एक महीना तो वहीं मैं थी मायके में, लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पाया। मैंने सोचा भी ना, कोशिश भी की कि ना वीडियोस बना के डाल दूँगी, एक दो डाली भी थी शायद मैंने हाँ वहीं पे, तो फिर उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, इतना ज़्यादा काम हो गया था। एंड अभी बस थोड़ा सा फ्री हुई हूँ मैं, और अभी मैंने सोचा चलिए आप लोग के लिए एक वीडियो शूट करके अभी से जल्दी से अपलोड करती हूँ। तो आज अभी वीडियो आ चुका है एंड वीडियोज़ अभी ना कंटिन्यू आएंगे। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी वो भी सबसे पहले। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बांधानी साड़ी का लुक, किस तरह से हम साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं, और एकदम से ना नए तरीके से मैंने आपको इसमें बताया है, आप एकदम से ना लुक आपका चेंज हो जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखना एंड स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैंने ली है ग्रीन कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी, और चलिए साड़ी को बांधना स्टार्ट करते हैं। और साड़ी को मैंने ना जहाँ से हम टक करते हैं वहाँ से ले लिया है अच्छे से, और ऊपर से हम अपनी जितनी लंबाई के हिसाब से इसको अपने एडजस्ट करके टकिंग करना शुरू कर देंगे, और इसको हम लपेटेंगे दूसरी साइड से। हमें इसको ना टाइट करके लपेटना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिटिंग चाहिए होती है। अगर हम यहाँ से ही ना साड़ी को लूज़ रखेंगे ना, तो साड़ी की जो पूरी फिटिंग है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को टाइट करके एकदम से, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने नीचे से हल्का सा खींच के और फिटिंग करके टक कर लिया है। और अभी हम बनाना शुरू करेंगे प्लेट्स। प्लेट्स हमें कहाँ की बनानी होंगी ये आपको वीडियो में देखना तभी पता चलेगा। और यहाँ पे हम हल्का सा साड़ी का कपड़ा लेके टकिंग कर लेंगे, और अभी हम बनाएंगे कंधे वाली प्लेट्स। और कंधे वाली प्लेट्स को बनाने के लिए हम ये जो हमारा पल्ला होता है इसका ऊपर का साइड होता है, यहाँ से इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अंदर की साइड से अगर हम बनाते हैं ना, तो कभी कभी ऊपर वाली साइड ज़्यादा हो जाती है, तो हमें फिर दोबारा बनानी होती है। तो इसलिए हमें ना हमेशा ऊपर वाली साइड से बनाना चाहिए, ताकि अंदर वाली साइड जो है अगर कम ज़्यादा हो जाए ना, उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वन बाई वन करके इसको साड़ी को एडजस्ट कर रही हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप चाहें तो ना पिन भी लगा सकते हैं, जिससे कि ना आपको नीचे वाली हल्का सा नीचे प्लेट्स बनाने में आसानी होगी, तो आप वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इसे हाथ से पकड़ रखा है और बनाना शुरू कर रही हूँ प्लेट्स। ये एडजस्ट हो गई हैं। सो पल्ले को ना हमें अपनी लंबाई के हिसाब से ही एडजस्ट करना होगा। अगर आप सर पे पल्ला रखते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकती हैं और कम भी कर सकती हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अपनी लंबाई के हिसाब से पल्ले को एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे ना ज़्यादा लंबा भी पल्ला पसंद नहीं, ज़्यादा छोटा ही पसंद नहीं, यानी तो घुटनों से नीचे अगर हमारा पल्ला रहेगा तो वो एकदम बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पर जहाँ पे हमें पिन लगानी है ना कंधे वाली, वहाँ से मैं वन बाय वन करके एडजस्ट करके प्लेट को सेट कर लिया है, और पिन इसको हम लगाएंगे। यहाँ पे पिन हमें कहाँ लगानी होती है, जो ब्लाउज़ की जो सिलाई होती है ना उसके जस्ट पीछे लगानी होती है, ब्लाउज़ की सिलाई पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज़ की सिलाई पर अगर हम पिन लगाएंगे ना तो गट्ठर सा बन जाएगा और हमें ना थोड़ी दिक्कत भी हो जाएगी। तो इसलिए ना हम ब्लाउज की सिलाई के पीछे पिन लगाएंगे, और यहाँ से इस तरह से मैं साड़ी को घुमा के लेके दूसरी साइड से ला के यहाँ पर हल्का सा टकिंग कर दूँगी। एंड अभी हम बनाएंगे प्लेट्स, सामने वाली प्लेट्स। सो प्लेट्स भी ना हमेशा राइट साइड से ही बनानी चाहिए, क्योंकि ना हमें राइट साइड से अगर प्लेट्स बनाएंगे तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगी। जो हमारी पहली प्लेट्स होती है उसको ना हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, या फिर कपड़ा छोड़ देते हैं शुरुआत में, जिससे कि ना हमारी प्लेट्स बनाने में बहुत आसानी होती है। तो मैं प्लेट्स बना ली हैं, और जो साइड वाली है ना प्लेट्स, इसको ना मैं थोड़ा सा खींच के और एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पे वन बाई वन करके मैं सारे प्लेट्स को सीक्वेंस में लगा ले रही हूँ, ताकि हमारी कोई भी प्लेट्स ऊँची नीची ना रहे। और जहाँ से हमें टकिंग करनी है ना अपनी पेटीकोट के अंदर, वहाँ से मैं सेट करूँगी अपनी प्लेट्स को। आप देखिए इस तरह से मैं अपनी प्लेट्स को सेट कर रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है आपको भी, अगर आप परफेक्ट साड़ी ड्रेप करना चाहते हैं तो। तो यहाँ पे ना इस तरह से मैंने इसको प्लेट्स को सेट कर लिया है, और जो साइड में ना ये साइड वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हम खींच के बिल्कुल कमर का शेप दे के, और इसको खींच के हम इस तरह से यहाँ पे इसको जो प्लेट्स हैं उसके साथ में टक कर लेंगे और पिन के साथ एडजस्ट कर लेंगे, ताकि जो हमारी फिटिंग है ना बिल्कुल से एकदम से
परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको पिंसिल लगा लिया है, आप भी बिल्कुल इसी तरह से साड़ी बांधेंगे ना तो आपका लुक भी एकदम परफेक्ट आएगा और आप देखने में बहुत सुंदर लगेंगी, पतली सी लगेंगी, स्लिम ट्रिम लगेंगी। एंड तो यहाँ पे मैंने इसको टकिंग कर लिया है और पीछे से भी साइड से टकिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आया है साइड से। बाद में हम सामने वाली प्लेट से इसको ना अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, अगर ऊँची नीची हो जाती हैं तो हम आप इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, आप शेप कितना प्यारा आया है, लुक कितना अच्छा लग रहा है। एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा साड़ी का लुक आया है, अगर आप इस तरह से साड़ी बांधेंगी तो बहुत प्यारा लगेगा। एंड पल्ला मैंने इतना रखा है कि आप सर पर भी कर सकती हैं और आप नॉर्मल ऐसा भी रख सकती हैं। सो आई होप आपको ना ये वाला लुक पसंद आया होगा। मुझे तो ना इसी तरह से साड़ी बांधना ज़्यादा पसंद है, मैं पर्सनली ना इसी तरह से ज़्यादा बांधती हूँ साड़ी। एंड अभी हम एक तरीके से और साड़ी को ट्रैप करेंगे। मैंने ना इस साड़ी को मैंने सोचा ना दूसरी तरह से ट्रैप करके बताऊंगी। सो सेकंड अभी हम बात कर लेते हैं, सेकंड हमें किस तरह से ट्रैप करना है। जो प्लेट्स हैं ना इसको हम खोल लेंगे और जैसे हम फ्री पल्लों को ट्रैप कर देना साड़ी में, तो उस तरह से हम ले कर यहाँ पर हल्का सा नीचे करके इस तरह से इसको यहाँ पर पिन से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको सेट किया है और इसी तरह से आपको भी सेट करना है। अभी हम ना इसमें क्या करेंगे, एक ट्विस्ट देने वाले हैं हल्का सा और बहुत प्यारा लगेगा इस कलों का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट मेरे पास ये वाली है, बाकी हम जो ना गोल्डन में आते हैं मोतियों वाली वो भी लगा सकते हैं, आप किसी भी तरीके की बेल्ट लगा सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये वाली बेल्ट लगा ली है और पल्ले को इस तरह से आप फ्री पल्ले में आप डाल के रखेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, आपका पल्ला भी एडजस्ट रहेगा और आपका आपको काम करने में भी आसानी होगी। आप कहीं जा रही हैं तो आपको कुछ भी कैरी करने में भी आसानी होगी, तो आप इस तरह से साड़ी को ड्रेप कर सकती हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमें फ्री पल्ला बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता है, मोस्टली जैसे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाने, लंबे सफ़र के लिए जा रहे हो या तो नहीं रहता है, अगर पार्टी शादी में जा रहे हैं तो चलो हाँ चल जाता है तो अच्छा लगता है फ्री पल्ले में। तो आप इस तरह से भी ना किसी भी साड़ी को बेल्ट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ना ये वाले लुक ज़रूर पसंद आए होंगे, एंड पसंद आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, आगे शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो जिससे मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी वो भी सबसे पहले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।